Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on a topic that is advantages of CRT, जिसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बोलते हैं. तो हमने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट पढ़ा, कल की जो वीडियो थी उसमें हमने क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट पढ़ा कि क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े. ठीक है, अगर आपको क्राइटेरियन के बारे में जानना है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. उसमें आपको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है क्राइटेरियन में. फिर भी एक एग्जांपल मैं आज भी दे देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल करिकुलम में आपका कोई सब्जेक्ट है, साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं, वो आपने क्या करने हैं. एक टीचर ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, क्राइटेरिया सेट कर दिया कि मैंने बच्चों को ये टॉपिक्स करवाने हैं और देखना है कि कौन सा बच्चा इस चीज़ में मास्टरी कर पाता है, कौन जल्दी ज़्यादा सीख सकता है इन टॉपिक्स को. ठीक है, डीपली. तो ये क्या है, टीचर ने क्राइटेरिया सेट कर दिया. अब टीचर अपनी तरफ से मेहनत करेगा और देखेगा कि कौन सा बच्चा है जो इन सब्जेक्ट्स को फटाफट समझ जाएगा इन टॉपिक्स को. ठीक है, मतलब जो टीचर ने क्राइटेरिया सेट किया उस बॉर्डर लाइन तक कौन सा बच्चा पहुंच पाता है. ठीक है, उनको हम हायर स्कोर या लोअर स्कोर्स में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ सीआरटी, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर. जैसे कि अभी बताया कि जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर कौन सा बच्चा मास्टरी कर पाता है, वो द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का एक एडवांटेज. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आर मोर सूटेबल देन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्योंकि क्राइटेरियन और नॉर्म में यही फ़र्क है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम एक बच्चे के जो स्कोर्स हैं वो दूसरे बच्चे के स्कोर से कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि क्या जितने एक बच्चे के नंबर आए हैं और दूसरे के कितने आए हैं. ठीक है, दोनों के ग्रेड्स को कंपेयर करते हैं कि तेरे कम आए हैं या तेरे ज़्यादा आए हैं. बट जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आप एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि बच्चे ने इन स्किल्स को डेवलप करना है, कौन से बच्चे स्किल्स डेवलप कर पा रहे हैं और कौन से बच्चे लैग बिहाइंड कर रहे हैं, पीछे रह रहे हैं. ठीक है जी, ये सब चीज़ें. सो सीआरटी इज़ मोर सूटेबल दैन नॉर्म रेफरेंस फॉर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट विद इन द करिकुलम. ठीक है, क्योंकि करिकुलम में ही वो सब्जेक्ट मैटर होता है, देखना है कि कौन सा बच्चा फटाफट ग्रैस्प अप कर पाता है उस चीज़ को और कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है उस चीज़ को सीखने में. ठीक है, टेस्ट आइटम्स कैन बी डिज़ाइन टू मैच द स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचर लेके चलता है, क्राइटेरिया सेट किया है कि मैंने इतने टाइम पीरियड तक ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाने हैं. ठीक है, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि कौन सा बच्चा फटाफट ये चीज़ समझ जाएगा मेरे समझाने से. ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचर जो लेके चलता है जब पढ़ाता है कि मैं इन बच्चों को ये टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगी फॉर द एग्ज़ाम, फॉर द टेस्ट, वट एवर इट इज़. द स्कोर्स ऑन अ सीआरटी इंडिकेट्स हाउ वेल द इंडिविजुअल कैन करेक्टली आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है जी, इससे क्या होगा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में जो स्कोर्स दिए जाते हैं ना उससे पता लगता है कि जो इंडिविजुअल है वो कितनी अच्छे से उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा ऑन द मटेरियल बीइंग स्टडीड, जो वो चीज़ टीचर ने पढ़ाई है. अगर जैसे कि मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया, मैंने पढ़ाया बच्चों को मैटर, मैं चाहती हूँ कि बच्चों को स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पता हो, उनके टाइप्स के बारे में पता हो, उनके इंटर कन्वर्जन पता हो, सॉलिड लिक्विड गैस सब कुछ पता हो. पर कुछ बच्चे हैं जो वो चीज़ नहीं समझ पाते इतनी जल्दी. ठीक है, पर जो समझ पाए, मतलब मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया कि स्टेट्स ऑफ मैटर सबको आना चाहिए, तो जब मैंने उनको क्वेश्चन किया उन्होंने फटाफट आंसर दे दिए और वहाँ पे मेरा क्राइटेरिया एक सेट हो गया कि जिन बच्चों ने आंसर दे दिए वो तो उस बॉर्डर लाइन तक पहुँच गए. ठीक है जी, जो मैंने क्राइटेरिया सेट किया था वहाँ तक कौन कौन से बच्चे इम्प्रूव कर पाए या किन्होंने सीखा, कितना सीखा, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो ध्यान देने वाली होती हैं. ठीक है, वो होते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट. मैं देखूँगी कि कितना उस टॉपिक को लेकर किन बच्चों ने ज़्यादा इम्प्रूव किया या किन को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है, ये सब चीज़ें. वाइल द स्कोर्स ऑन द नॉर्म रेफरेंस, बट जब नॉर्म रेफरेंस की बात आती है तो हम स्कोर्स कंपेयर करते हैं एक बच्चे के दूसरे से कि अरे तेरे नंबर कम है, तेरे नंबर ज़्यादा है, तो ये कंपैरिजन बहुत गलत है नॉर्म में. रिपोर्ट हाउ द स्टूडेंट स्कोर रिलेटेड टू अदर स्टूडेंट इन द ग्रुप. ठीक है, बट नॉर्म में क्या होता है, वहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है. ठीक है, बट जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता, वो बच्चे की अपनी ही लड़ाई, अपनी ही एबिलिटी, अपनी ही स्किल्स से होती है. ठीक है, यही इसका पॉजिटिव पॉइंट है क्राइटेरियन का, कि बच्चा अपनी ही एबिलिटीज से लड़ाई करता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है जैसे तैसे. बट नॉर्म में क्या होता है, एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर कर देते हो, ऐसे तो दूसरा बच्चा जो डिमोटिवेट हो जाएगा, तो वो नेगेटिव चीज़ आएगी नॉर्म में. ठीक है, नाउ कम्स अप विद द सेकंड एडवांटेज, कि जो सीआरटी है
क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कैन बी मैनेज लोकली. मतलब सिंपल, हम ज़रूरी नहीं है हमें बहुत हायर लेवल पे कहीं पे जाना है, ठीक है, बाहर जाके ग्राउंड में बिठा के ये सब चीज़ें वो करने की ज़रूरत नहीं है. लोकली हम प्रॉपर एक क्लासरूम सेटिंग में ये टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, असेसिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस इज समथिंग दैट टीचर मस्ट डू, एवरी टीचर मस्ट डू. हर एक टीचर को, हर बच्चे को असेस करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस बच्चे की कितनी एबिलिटी है. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कैन बी डेवलप्ड एट इन द क्लासरूम लेवल, कि क्लासरूम में आप ये डेवलप कर सकते हैं, देख सकते हैं कोई टॉपिक करवा के बच्चे को कि कौन सा बच्चा जल्दी उस टॉपिक को पकड़ लेता है, कौन लेट पकड़ता है. इफ़ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, टीचर्स कैन स्पेशली डायग्नोज अ डेफिशिएंसी स्कोर ऑफ एन इंडिविजुअल. कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा नहीं समझ पाता उस टॉपिक को, मतलब तो टीचर उसको डायग्नोज करेगा. डायग्नोज इन द सेंस, एज यू ऑल नो, रेमिडियल टीचिंग जिसको हम बोलते हैं, कि बच्चा कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहा है, टीचर इस चीज़ का ध्यान देगा ताकि वो देख सके बच्चे की कमी कहाँ हो, ठीक है जी, या कहाँ पे उसको ज़रूरत है, नीड है टीचर की, ताकि वो चीज़ वो सीख सके और उस क्राइटेरिया तक पहुँच सके, उस एबिलिटी को हासिल कर पाए. टीचर देखेगा कि बच्चा कहाँ पे पीछे रह रहा है, मे बी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बच्चे की जो अचीवमेंट होती है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एज यू ऑल नो, एक इन्वायरमेंट हो गया और एक हेरिडिटी. मे बी हेरिडिटी की वजह से कोई दिक्कत, कोई डिसेबिलिटी हो उस बच्चे को, ठीक है, पढ़ने में लिखने में कुछ भी हो सकता है, या मे बी इन्वायरमेंट की वजह से पेरेंट्स में कोई झगड़ा हो रहा है, उसका असर बच्चे पे पड़ रहा है, मे बी एनीथिंग, ठीक है. तो ये सब चीज़ें टीचर डायग्नोस करेगा, देखेगा कि क्यों बच्चा लैग बिहाइंड कर रहा है. इन एडिशन, टेस्ट रिजल्ट्स कैन बी क्विकली ऑब्टेन टू गिव स्टूडेंट इफेक्टिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस. और इससे क्या होगा, आप फटाफट बच्चे को फीडबैक दे पाएंगे. उसके बाद थर्ड एडवांटेज, स्टूडेंट्स आर नॉट कंपेयर्ड विद ईच अदर. ये पॉजिटिव पॉइंट है, जो नॉर्म रेफरेंस में एक नेगेटिव है, कि नॉर्म रेफरेंस में हमेशा कंपैरिजन किया जाता है, बट क्राइटेरियन रेफरेंस में कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जाता बच्चों का, ठीक है. बच्चे का खुद की एबिलिटी से ही मतलब मैच करना है, किसी से कंपेयर नहीं करना. फोर्थ एडवांटेज, स्टूडेंट्स ग्रेड इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय द कैलिबर ऑफ द क्लास. ये चीज़ नहीं देखी जाती कि क्लास में किस बच्चे की क्या एबिलिटी है, किसकी नहीं है. बच्चे की जो एबिलिटी है, बच्चे को वहाँ तक पहुँचाना है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है जी. फिफ्थ है, स्टूडेंट्स आर ओनली टेस्टेड ऑन देयर नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक गोल्स और स्टैंडर्ड्स. और बच्चे को सिर्फ टेस्ट उस चीज़ पे किया जाता है कि कौन सी स्किल्स बच्चे में हैं, कितनी वो स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है, या कितना उसको और मोटिवेट करने की और सिखाने की ज़रूरत है बच्चे को, ताकि वो उस स्किल को अच्छे से सीख सके. If student do not seem to master a particular standard, the teacher will be able to go back and teach that standard again until the student perform better. इसका ये नहीं है कि एक बार किया या दो बार किया, नहीं, किसी बच्चे की कोई कमी है, ठीक है, कोई किसी चीज़ में भी है, कोई क्रिकेट नहीं खेल पा रहा अच्छे से, कोई फुटबॉल में स्किलफुल नहीं है, बट वो खेलना चाहता है, तो वो टीचर बार बार उसकी हेल्प करेगा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने बोला अरे ये कर तो रहा नहीं, इससे अच्छे उसको छोड़ ही दो, नहीं, आप उसकी बार बार हेल्प करोगे जब तक वो उस चीज़ को बेटर नहीं कर देता और बच्चा, ठीक है. देन फोकस ऑन द इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड. ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे होगा कि आप इंस्ट्रक्शंस उस अकॉर्डिंग दो कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, उस चीज़ को ध्यान में रखो एज अ टीचर. देन रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डिजायर्ड परफॉर्मेंस लेवल लिंक टू द क्राइटेरिया. और जो क्राइटेरिया आपने सेट किया है उसके बेसिस पे ही आप बच्चे को इंस्ट्रक्ट करो, डायग्नोस करो. एंड द लास्ट इज डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस. इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कैसा परफॉर्म किया, बट जो स्टैंडर्ड है, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी. ऐसा नहीं है कि कैसे परफॉर्म किया, द थिंग इज़ कि आप उस स्टैंडर्ड तक पहुँच गए हो. ये एक एडवांटेज हो गया क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का. एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू. और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.